तो यार आज हम लोग महायुद्ध यानी कि बैटल कंपैरिजन करने वाले हैं मार्वल यूनिवर्स के दो बड़े राक्षसों के बीच, जो कि एक ग्रीन हल्क और रेड हल्क। एंड क्योंकि रेड हल्क ग्रीन हल्क के जितना ही बड़ा है और उसके ही जितना पावर्स एंड स्ट्रेंथ होल्ड करता है, तो क्या वो अपने ब्रूस बैनर वाले हल्क यानी कि ग्रीन हल्क को डिफीट कर सकता है? तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। सो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए इसे एंड तक जरूर देखना। तो आइए अब इस बैटल कंपैरिजन को शुरू करते हैं। तो इसे स्टार्ट करने से पहले इस कंपैरिजन को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। नंबर वन ओरिजिन एंड बैक स्टोरी, नंबर टू पावर्स एबिलिटीज एंड फीट्स, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट नंबर थ्री फाइनल बैटल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर वन ओरिजिन एंड बैक स्टोरी। तो ग्रीन हल्क के ओरिजिन की बात करें तो इसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था 1962 में इनक्रेडिबल हल्क के इशू नंबर वन के अंदर। वैसे अपना ग्रीन हल्क स्टार्टिंग में तो ग्रे कलर का बनाया गया था, पर कुछ प्रिंटिंग इश्यूज के चलते इसे ग्रीन कलर में चेंज कर दिया गया। तो ग्रीन हल्क जिसका कि रियल नेम ब्रूस बैनर है, वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट होता है जो कि गामा रेडिएशन एंड न्यूक्लियर के ऊपर स्टडी कर रहा होता है। तो एक बार क्या होता है कि जब ब्रूस बैनर सुपर सोल्जर सीरम के ऊपर काम कर रहा होता है, तो उसमें वो गलती से गामा रेस को यूज कर लेता है और उससे होता है एक बड़ा सा एक्सप्लोजन, जिसमें अपना ब्रूस बैनर एक हरे दानव में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसका नाम पड़ता है हल्क। और उसके बाद जब ब्रूस बैनर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसके इमोशंस अनकंट्रोल हो जाते हैं, तब वो हल्क में ट्रांसफॉर्म होता रहता है। अब बात करते हैं रेड हल्क के ओरिजिन की। तो इसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था हल्क वॉल्यूम 3 के इशू 1 के अंदर, जो 2008 में आई थी। तो रेड हल्क का अल्टर ईगो यानी कि वो कैरेक्टर जो कि रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है, वो और कोई नहीं बल्कि जनरल थंडरबोल्ट रॉस है, जो कि अपने ब्रूस बैनर के लव इंटरेस्ट यानी कि बेटी रॉस के फादर है। तो थंडरबोल्ट रॉस हल्क से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है और हमेशा उसे मारने की कोशिश करता है, और उसका रेड हल्क बनने का रीजन भी यही है कि वो ग्रीन हल्क को मार सके। इसलिए वो मोडोक की हेल्प से कॉस्मिक रेस एंड गामा रेस के कॉम्बिनेशन से एक लाल लसन की रेड हल्क बन जाता है। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर टू पावर्स एबिलिटीज एंड फीट्स। तो सबसे पहले ग्रीन हल्क के पावर्स की बात की जाए तो उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ जिसका कि कोई लिमिट नहीं है, एंड ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, स्टेमिना, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर और सुपर ह्यूमन जंप। तो ग्रीन हल्क के पास इतना ज्यादा स्ट्रेंथ है कि वो भारी से भारी चीज को इजिली लिफ्ट कर सकता है और उसके आगे चाहे कोई भी चीज आ जाए उसे वो एक पंच में तोड़ सकता है। उसकी ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज्यादा है कि उस पर बॉम्ब, मिसाइल एंड बुलेट्स इन सभी चीजों का कोई असर नहीं पड़ता है। और ग्रीन हल्क का स्टेमिना भी इतना ज्यादा कि वो बिना कुछ खाए पिए और बिना थके सालों तक लगातार फाइट कर सकता है। अब उसकी बॉडी की मसल्स में इतना ज्यादा स्ट्रेंथ और पावर है, तो जाहिर सी बात है कि उसके पैरों में भी उतनी ही पावर्स एंड स्ट्रेंथ होगी, और इन्हीं की मदद से वो लंबी लंबी छलांग भी लगा सकता है। ये तो होगा ग्रीन हल्क की पावर्स। अब इसके फीट्स की बात कर ले कि आखिर इसने इतने सारे पावर्स के साथ कौन कौन से कांड कर रखे हैं। तो ग्रीन हल्क ने सीक्रेट वॉर्स के इवेंट के दौरान एक 150 बिलियन टन के बड़े से पहाड़ को लिफ्ट किया है, और वर्ल्ड वॉर हल्क के इवेंट के दौरान उसके एक फुट स्टेप से पूरा का पूरा आइलैंड डूब जाता है, और साथ ही साथ आगे इसी इवेंट के दौरान मार्वल यूनिवर्स के सारे हीरोज मिलकर भी हल्क को हरा नहीं पाए थे, और इसके चलते लास्ट में सेंट्री को आना पड़ता है और उसे भी हल्क बराबरी की टक्कर दे चुका है। तो ये सारी थी ग्रीन हल्क की पावर्स एंड फीट्स। अब बात करते हैं रेड हल्क की पावर्स एंड फीट्स के बारे में। तो रेड हल्क की पावर्स भी ग्रीन हल्क के ही सिमिलर है, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, स्टेमिना, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर और सुपर जंप। तो इसका मतलब रेड हल्क भी ग्रीन हल्क के बराबर का ही स्ट्रेंथ रखता है, और रेड हल्क अपनी आंखों से एनर्जी बीम भी फायर कर सकता है जो कि ग्रीन हल्क नहीं कर पाता है। अब रेड हल्क के फीट्स की बात करते हैं। तो रेड हल्क का स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है कि उसने थॉर के हथौड़े को उठाकर उसी हथौड़े से थॉर को बहुत ही गंदे तरीके से पीट चुका है। तो एक बार क्या होता है कि रेड हल्क थॉर से फाइट करते करते उसे स्पेस में ले जाता है, और वहां ग्रेविटी ना होने के चलते वो थॉर के हैमर को इजीली उठा पाता है। और इसके अलावा रेड हल्क द वॉचर से भी लड़ चुका है, और द वॉचर को उसने सिर्फ एक पंच में ही स्पेस में पहुंचा दिया था। और रेड हल्क ने स्पाइडर वुमन, शी हल्क और कई सारे सुपर हीरोज को एक साथ हराया है। एंड जैसे ग्रीन हल्क ने सेंट्री को फाइट में बराबर का टक्कर दिया है, वैसे ही रेड हल्क की भी सेंट्री से एक बार फाइट होती है और उसे भी वह एक बराबरी की टक्कर दे पाता है। तो अब फाइनली बात करते हैं पॉइंट नंबर थ्री फाइनल बैटल कंपैरिजन की। तो देखो, वैसे तो रेड हल्क के पास ग्रीन हल्क से ज्यादा एबिलिटीज हैं, जैसे वो अपने आंखों से एनर्जी बीम को फायर कर सकता है और गामा रेस एंड कॉस्मिक रेस को भी एब्जॉर्ब करके अपने पावर्स को बढ़ा सकता है। पर इन सब के साथ उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो जितना ज्यादा गुस्सा होता है उसका बॉडी उतना ही ज्यादा गर्म होता चला जाता है, और इससे उसका ब्लड भी उबलने लगता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है। पर अगर ग्रीन हल्क के केस में देखा जाए तो ये तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अपना ग्रीन हल्क यानी कि ब्रूस बैनर जितना ज्यादा गुस्सा होता चला जाता है उसका पावर्स उतना ही बढ़ता जाता है। तो इसी वजह से अगर रेड हल्क और ग्रीन हल्क में फाइट होती है तो स्टार्टिंग में तो भले ही रेड हल्क ग्रीन हल्क पे थोड़ा सा भारी पड़ सकता है, पर जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ेगी और ग्रीन हल्क का गुस्सा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसकी पावर्स भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो एट दी एंड रिजल्ट यही निकल के आएगा कि अपना विनर होगा ग्रीन हल्क। सो यही था ग्रीन हल्क और रेड हल्क के बीच एक बैटल कंपैरिजन। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और इसके अलावा अगर आप लोग हल्क के बहुत ही बड़े वाले फैन हो तो आप लोग के लिए साइड में ऊपर एक वीडियो आ रही होगी जिसमें मैंने हल्क के 10 डिफरेंट वर्जन के बारे में बताया है, तो आप लोग उसे भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी हम लोग फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।